मोस्ट वॉन्टेड हाफिज सईद आणि दाऊद इब्राहिम यांना भारतात सोपवण्यासंदर्भातला प्रश्न पाकिस्तानला विचारण्यात आला. पाकिस्तानच्या प्रतिनिधी मंडळाला या संदर्भातला प्रश्न एबीपी न्यूजनं विचारला, पण त्यावर पाकिस्तानी प्रतिनिधी मंडळानं मौन बाळगलं. भारताचे हे दोन गुन्हेगार दाऊद इब्राहिम आणि हाफिज सईद या दोघांनाही भारताकडे सोपवण्यासंदर्भातला प्रश्न एबीपी माझानं विचारला पाकिस्तानच्या शिष्टमंडळाला प्रतिनिधी मंडळाला. मात्र या प्रश्नावर या प्रतिनिधी मंडळानं कोणतंही उत्तर दिलं नाही. अधिक माहिती जितेंद्र दीक्षित आपल्याला देत आहेत. जितेंद्र, देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि दाऊद इब्राहिम उसकी जमीन में नहीं है, लेकिन जबकि हकीकत यह है कि 12 मार्च 1993 के जो मुंबई बम धमाके हुए थे उसको पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम के स्मगलिंग का नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए अंजाम दिया था. दाऊद का एक स्मगलिंग का नेटवर्क था, सोने चांदी की वो स्मगलिंग करता था और कोंकण में उसके लैंडिंग एजेंट्स होते थे जिनका इंचार्ज टाइगर मेमन हुआ करता था. तो उस एजेंट के मार्फत पाकिस्तान से आईएसआई ने आईडीएक्स भेजा और उसके बाद बड़े पैमाने पर हथियार भी भेजे गए, जो कि आईएसआई को उम्मीद थी कि एक बार जब बम धमाके हो जाएंगे तो फिर से एक बार मुंबई में सांप्रदायिक दंगे होंगे और उन दंगों में इनका इस्तेमाल किया जाना था. तो एक तो ये साजिश थी और इसमें जो तमाम सबूत हमारी एजेंसीज को आए थे, मुंबई पुलिस को आए थे, सीबीआई को जो सबूत मिले थे, उसका तमाम डोजियर बनाकर पाकिस्तान को बार बार भेजा गया है और बार बार जो है द्विपक्षीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये बात रखी गई है कि किस तरह से आईएसआई ने पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को शह दे रखी है. यहां तक कि हमारी एजेंसीज इतना तक बता चुकी हैं कि पाकिस्तान के कराची शहर में किस क्लिफ्टन इलाके के किस घर में वो रहता है, कहाँ वो जाता है, किस दरगाह में जाता है, कहाँ वो बार बार देखा गया, इतनी बारीकी के साथ में जानकारी दी गई है. लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि दाऊद इब्राहिम हमारी धरती पर नहीं है, हमारे पास नहीं है और ये भारत झूठा आरोप लगा रही है. मैं आपको बता दूं कि दाऊद ने एक और पैंतरा आजमाया है, वो ये है कि दाऊद ने एक रिश्तों की रणनीति बनाई है पाकिस्तान में. दाऊद ने वहां जाकर जो अपने नाते रिश्तेदार हैं उनके साथ वैवाहिक रिश्ते जो है एस्टैब्लिश किए हैं, पाकिस्तानी फौजियों के साथ में, उनके मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में. जैसे कि दाऊद की अपनी बेटी मारूक की जो शादी है वहां की एक नामचीन हस्ती है जो वहां के क्रिकेटर हैं जावेद मियादाद के बेटे जुनैद के साथ में हुई, इसी तरह से आईएसआई के कई अधिकारियों के साथ में उसके जो है भतीजियों की, भतीजे की शादी वगैरह हुई है. तो एक पारिवारिक रिश्ता उसने बना लिया और इस वजह से भी पाकिस्तानी स्टेट जो है बड़ा प्रोटेक्टिव है दाऊद के लिए. जितेंद्र, खूप खूप आभार या माहितीबद्दल. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.